वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजिटिंग दुर्गा रिएक्शन। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है कार्तिक की आरा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसका नाम है सत्य प्रेम की कथा। तो चलिए देखते हैं क्या है इस ट्रेलर के अंदर। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट स्टार्ट। मेरे को देख के ऐसा लगता है कि मैं सिंगल हो सकती हूँ। बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? तपन। तुम दोनों की शादी का हैशटैग ही नहीं बनता। अच्छा, और तेरा नाम क्या है? सत्यप्रेम। ये बना ना हैशटैग, सत्यप्रेम की कथा, ट्रू लव स्टोरी। ए मम्मी, आपको शर्म नहीं आती? सुबह से रात तक लगा रहे तो टाटिया दुखी जाए छे। बासी फाफड़े जैसे मुंह बनाया खड़ा है। अना तू ना इसलिए। अरे एक शॉट में कंसीव किया दिवाली और मैंने तुझे यार। तो मैं अपने बच्चों को कब कंसीव करूं पापा? शादी के लिए इतना ही उतावला हो रहा है ना, क्या लड़की ढूंढ अपने लिए? अरे इंटरनेट पे इसको फॉलोअर्स नहीं मिलते, लड़की क्या मिलेगी? धूम धूम धड़ाका, गुच्चू पटाका, खुद की शादी में हल्लड़ा जाऊंगा। सीरियस बॉयफ्रेंड है या ऐसे खाई पीने मजा? नहीं, अगर ऐसे खाई पीने मजा है तो मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ। क्यों? सीरियस होने के लिए। पक्का? 100%। कथा जी, एक सीक्रेट बताओ। पता नहीं आप बिलीव करेंगे या नहीं, मैं वर्जिन हूँ। मैंने सोचा नहीं बाईडी के लिए अपने आप को सेव करके रखता हूँ। हाँ, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि आप भी मेरी बाईडी बन जाएंगी। संभाले रखा था। तुम बोलने के पहले बिल्कुल सोचते नहीं हो ना? सच बोलने के पहले सोचने का क्या? सोचना पड़ता है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो दूसरों को बर्दाश्त नहीं होते, और कुछ जो खुद को बर्दाश्त नहीं होते। शायद मैं इस दुनिया में कुछ करने ही नहीं आया सिवाय तुमसे प्यार। क्या डायलॉग है सच में कितनी जबरदस्त ट्रेलर दिखाया गया है। इसका जो सॉन्ग है काफी ज्यादा रोमांटिक है, स्टार्टिंग में दिखाता है जो कार्तिक होते हैं, वो कार्तिक यारा साथ में होते हैं किसी पहाड़ी वादियों में, फिर वो दिखाता है कि कार्तिक सपना देख रहे होते हैं और उनका सपना टूट जाता है, फिर दिखाता है कि वो घर का काम करते हुए नजर आते हैं, फिर अगले ही पार्ट में दिखाता है कि वह उनको शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही, उनको लड़की चाहिए जिससे वो शादी कर सके। तो फिर वो कियारा से मिलते हैं तो उनसे वो फ्लर्ट करते हुए नजर आते हैं, फिर बाद में दोनों को प्यार हो जाता है। फिर बाद में दिखाता है कि कियारा की शादी दिखाता है लेकिन किस लड़के से होता है वो उसमें सीन नहीं दिखाता, इसको सस्पेंस बना दिया है। और इसमें जो सॉन्ग है म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक को भी कितना ही ज़्यादा जबरदस्त है, इनकी जोड़ी बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त लग रही है। इनकी जोड़ी इससे पहले भूल भुलैया 2 में देखी गई थी लेकिन अब इसमें देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखने में हिट लग रही है। दिखने में ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसमें इमोशनल भी है, कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, तीनों मिक्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, इनकी केमिस्ट्री, लव स्टोरी, इनकी जोड़ी वगैरह, और इसमें जो कॉमेडी है, उनकी फैमिली, हाँ जो कॉमेडी ड्रामा है वो सब जबरदस्त लगा। इस इमोशनल पार्ट भी ज़्यादा अच्छा लगा, लास्ट में जब कियारा रोती है और इमोशनल पार्ट कितना इमोशनल कर देने वाला लगता है,
सच में जबरदस्त लगा। मुझे आप लोग बताना कि आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा, मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड।